दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आज शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। उनसे शराब घोटाला मामले में पूछताछ की जाएगी, लेकिन इससे पहले ईडी की एक टीम ने सुबह ही दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार के एक और मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम मंत्री के सिविल लाइन्स स्थित आधिकारिक आवास समेत 9 जगहों पर छानबीन कर रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम राजकुमार आनंद के बिजनेस से जुड़े मामले में छापेमारी कर रही है। सूत्रों की माने तो राजकुमार आनंद पर हवाला लेन देन में शामिल होने का शक है। इस छापेमारी को सीमा शुल्क मामले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राजकुमार आनंद साल 2020 में पहली बार पटेल नगर सीट से विधायक बने थे। इससे पहले उनकी पत्नी वीना आनंद भी इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की जगह राजकुमार आनंद को कैबिनेट में शामिल किया गया था। बता दें, बौद्ध सम्मेलन के एक कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जहां राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे, जिसके बाद काफ़ी बवाल हुआ था और राजेंद्र गौतम को कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था। बता दें कि ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले की जांच में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में बीते 16 अप्रैल को भी केजरीवाल से पूछताछ की गई थी। उस समय सीबीआई ने सीएम से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। ये वही मामला है जिसमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। करीब 9 महीने बाद एक बार फिर केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी। इसके चलते सीएम दफ्तर से लेकर ईडी के कार्यालय तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है।